इसके अंदर का जो सिलेक्शन हो जाए वो बहुत बड़ी बात है, जो कि 10th लेवल के परसेंटेज की मेरिट लिस्ट के अनुसार है, है ना। तो उसके लेवल में यदि मेरा सिलेक्शन हो जाता है इस पोस्ट के अंदर का, तो मैं बहुत खुश मानता हूँ, खुशनसीब मानता हूँ कि यदि इस टाइम के अंतर्गत मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इस टाइमिंग के अंतर्गत जिस पेपर में जो एग्जाम लग रहे हैं उस एग्जाम के अंतर्गत जो पेपर दे कर भी उनके सिलेक्शन नहीं हो रहे, तैयारी कर रहे हैं, दो दो साल तक मर रहे हैं, कट रहे हैं, फोन पसीना एक कर रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और हमारे तो 10th लेवल की परसेंटेज के हिसाब से जो कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात लगता है, जिसको हमको अपने करियर रूप में खुशनसीब मानना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी पोस्ट अब भी इस टाइम के अंतर्गत मिल रही है। पर ये है कि एक तो गवर्नमेंट जॉब है, प्लस पॉइंट ये है, दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर आवर्स भी आपको 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे, तो शायद मुझे लगता है आपके पार्ट ऑफ लाइफ ये चलता रहेगा और आप आगे तक बढ़ सकते हो। और क्या, 6 घंटे उसमें ड्यूटी करनी पड़ती है, आगे का टाइम बचेगा तो हम आगे आने वाली बड़ी बड़ी जॉब की तैयारी कर सकते हैं। इस लड़की ने कमेंट किया है, सर एमपी का रिजल्ट यानी कि मध्य प्रदेश का रिजल्ट कब आएगा। आदित्य हेयर ने कमेंट किया है, रिजल्ट कब आएगा जीडीएस का। इस लड़की ने कमेंट किया है, सर अभी तो और डेट भरी है, तो क्या अदर्स कैटेगरी के रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि और दूसरे जो राज्य हैं उनके रिजल्ट आने लग जाएंगे डेट बढ़ी है तो। और इस लड़की ने कमेंट किया है, राजस्थान का रिजल्ट कब आएगा। इस लड़के ने कमेंट किया है, हिमाचल का कब आएगा, हिमाचल राज्य का कब आएगा। इस लड़के ने कमेंट किया है, रिजल्ट का लिंक सेंड कर देना सर। इस लड़के ने कमेंट किया है, हरियाणा में कब आएगा रिजल्ट जीडीएस का। इस लड़के ने कमेंट किया है, गुजरात का रिजल्ट कब आएगा। ऐसे जाने कितने कमेंट है जिसके जवाब बच्चे जानना चाह रहे हैं, यानी कि जीडीएस 2022 का एक परफेक्ट रिजल्ट, मतलब जो डेट होती है ना वो बच्चे जानना चाह रहे हैं। पर मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली ये बता दूंगा कि रिजल्ट किस डेट को आने वाला है। रिजल्ट की डेट जानने से पहले आप लोग ये छोटा सा प्रोसेस समझो, इस जीडीएस की जो ग्रामीण डाक सेवक की जो जॉब है इसकी लास्ट डेट कब खत्म हुई है, 5 जून 2022 को इसकी लास्ट डेट खत्म हुई। और इसमें पीडब्ल्यूडी जो वैकेंसी होती है यानी कि उसकी वजह से, पीडब्ल्यूडी की वजह से इसकी डेट 1 महीने इंक्रीज कर दी गई, यानी कि 5 जुलाई कर दी गई। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि 5 जुलाई तक तो कोई भी इसका रिजल्ट नहीं होने वाला। तो फिर रिजल्ट हम लोगों को किस डेट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट तैयार करने से पहले दोस्तों क्या होगा, इस जुलाई के महीने के अंदर जैसे ही इसकी डेट चली जाती है, तो इस जुलाई के महीने के अंदर इंग्लिश की एक टर्म आती है स्क्रूटनी, यानी कि जांच होगी आपके फॉर्म की। यदि क्या पता कोई बच्चे ने ग्रेड की उसकी अंकतालिका हो, मार्कशीट हो, और उसने परसेंटेज डाल दिया हो, परसेंटेज की जगह उसने ग्रेड डाल दिया हो, तो ऐसे फॉर्म की जांच की जाएगी, आपके नाम देखे जाएंगे, तो जो फॉर्म रिजेक्ट करने होंगे वो रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि एक तरह से आपके फॉर्म की जांच करने के बाद में आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और ये कोई फिक्स डेट नहीं है कि आपको रिजल्ट इस डेट के अंदर देखने को मिलेगा। जिस राज्य का, अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग वैकेंसी है, जैसे दिल्ली के अंदर तो 60 है, और राजस्थान के अंदर अलग अलग तरह की वैकेंसी वहां पर है। जैसे जैसे जो वैकेंसी का जो प्रोसेस होता है, जो रिजल्ट का प्रोसेस होता है, स्क्रूटनी करनी होती है, यानी कि जो स्क्रीनिंग करनी होती है, यानी कि जांच करनी होती है, वो प्रोसेस खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे जो स्टेट है जैसे तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, ये अपने रिजल्ट डालते जाएंगे। तो एक प्रॉपर रूप से आप ये समझो कि रिजल्ट आप लोगों को जुलाई के महीने में भी नहीं दिखेगा, अगस्त सितंबर के अंदर आप लोगों को रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएंगे। अलग अलग राज्य का जैसे ही काम खत्म होता है, उनका प्रोसेस होता है जो रिजल्ट का, वैसे ही आप लोगों को रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था जीडीएस 2022 का रिजल्ट से रिलेटेड जो आपके कमेंट थे, उनका कमेंट का जवाब इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल गया, और आपको पता भी लग गया कि जीडीएस 2022 का रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।